जय श्री राम दोस्तों, अभी की जो जानकारी देने जा रहा हूँ ये तो आपको थंबनेल में देख के मालूम ही चल गया, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है और फैक्ट के साथ है। ये आपको सारा कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा और ये ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ ये भी आपको बताऊंगा इस सबूत के साथ। सबसे पहले देखिए, जिस व्यक्ति के द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया था उनका नाम था योगी राज। लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 300 साल से पहले से ही इनके परिवार में लोग मूर्ति बनाते आ रहे हैं, तो इनका हाथ इतना साफ हो गया है कि कोई सी भी मूर्ति को आकार देने में इनको केवल कुछ घंटे ही लगते हैं। और हालांकि कुछ घंटे लगते हैं तो हो सकता है कि, वैसे तो कलाकार अपनी कलाकारी को अच्छे से पहचानता है कि भैया मैंने ये मूर्ति बनाई या नहीं बनाई, बहुत अच्छे से जानता है, जबकि उसके पीढ़ियों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं लगभग 3 साल पहले से। और प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाने में उस व्यक्ति को 7 महीने लग गए। जिस कलाकार को मूर्ति बनाने में केवल कुछ घंटे लगते हैं उसको प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाने में 7 महीने तक लग गए। और ये मूर्ति की प्रेरणा योगीराज का खुद कहना है कि किसी बच्चे को देख करके लगी थी, तो उस बच्चे को देख करके मूर्ति बनाई थी। अब नॉर्मल सी बात है कि 7 महीने कोई कम नहीं होते हैं, 7 महीने बहुत होते हैं। और 7 महीने में मतलब ऊपर से नीचे तक एक एक अंग आँखों से नापा जा सकता है, एक एक अंग। तो आज जब योगी राज के द्वारा बातें खोली गई न्यूज़ में, सब दंग रह गए। इनका कहना है कि जो मैंने मूर्ति बनाई है ये वो है ही नहीं। प्रभु श्री राम ने अंदर जाते ही मूर्ति का आकार बदल लिया है, रूप अपना बदल लिया है, ये उनका कहना है। लेकिन अगर मैं दोनों फ़ोटो को देखूं तो मैं अपनी अगर दृष्टि से देख करके बताऊं तो मुझे भी चेंजेस लग रहा है। मुझे, मैं अपनी दृष्टि से कह रहा हूँ, खुद देख करके चेंजेस मुझे लग रहा है। आपकी दृष्टि से आप आराम से देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं कि चेंजेस लग रहा है या नहीं। हो सकता है कि आप कहोगे कि भाई आभूषण पहनाए गए इसकी वजह से चेंजेस लग रहे हैं, बाकी है वैसे ही। लेकिन जिस व्यक्ति ने मूर्ति को बनाया, 7 महीने जिसको लग गए मूर्ति को बनाने में, तो उस मूर्ति पर चाहे कितने ही आभूषण चढ़ा दो, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी नज़रें कभी धोखा नहीं खाएंगी। तो ये है प्रभु श्री राम का गर्भगृह में प्रवेश करते ही सबसे पहला चमत्कार। दूसरा चमत्कार वो है कि जो अभी तक आपने सुने ही नहीं, और पता नहीं आगे सुनेंगे या नहीं, वैसे तो आप शायद कोई उनका इंटरव्यू नहीं लेगा, मालूम नहीं, लेकिन आपको बता देता हूँ कि जिस व्यक्ति के द्वारा प्रभु श्री राम के आभूषण बनाए गए थे, जिस सुनार के द्वारा बनाए गए थे, वो कई कल्याण ज्वेलर्स और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं इन सब के द्वारा नहीं बनाए गए थे, ये उस व्यक्ति के द्वारा बनाए गए थे जो कि एक बरेली, हाँ बरेली का रहने वाला है, और उसकी खुद की 100 साल पहले की दुकान है, कोई बड़ा कंपनी वाला नहीं है। उस बंदे के बाद खुद डायरेक्ट कॉल आया था, कहीं ना कहीं से मेरा परिचित का बंदा वो निकल आया, तो ये जानकारी आपको बता रहा हूँ। उस बंदे के बाद डायरेक्ट कॉल आया था, और जितने भी आभूषण बनाए हैं 24 कैरेट के बनाए हैं। लेकिन आभूषण बनाने से पहले उनको मूर्ति को देखना पड़ता है, पूरा अच्छे से देखेंगे तो ही मुकुट और माला ये सारी चीज़ अच्छे से देखना पड़ता है, तभी सुनार उस चीज़ को बना पाएगा, क्योंकि नाप भी लेना पड़ता है। तो जब मूर्ति पे पट्टी लगी थी, ये मैंने फ़ोटो शेयर करी थी टेलीग्राम में, आपने देखा होगा, पट्टी खोलने से पहले शीशा लगा दिया गया था, क्योंकि मूर्ति की अगर पहले दृष्टि किसी व्यक्ति पे पड़ जाती तो उसको दिक्कत हो जाती, तो इसीलिए पट्टी को खोलने से पहले सामने शीशा रख दिया। और जैसे उनकी पट्टी खुली, जैसे भगवान की आँखों की रोशनी शीशे पर पड़ी, शीशा चकनाचूर हो गया। ये वो चमत्कार उस सुनार ने अपनी आँखों से देखा था। ये दो वो बड़े चमत्कार है प्रभु श्री राम के गर्भगृह में प्रवेश होते ही देखने को जो मिले हैं। कौन कहता है कि मूर्ति केवल एक पत्थर ही होती है, मूर्ति में जान नहीं डाली जा सकती है। जीता जागता सबूत है कि उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, और जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, जो पीछे लगे हुए भगवे झंडे हैं प्रभु श्री राम के और बजरंग बली जी के, ये भी कोई नॉर्मल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बजरंग बली जी का ही एक झंडा जो कि महाभारत में अर्जुन के रथ में लगा था, जिसका सबूत मिलते हैं कि झंडे में ही हनुमान जी विराजमान थे, तो ये भी कोई नॉर्मल झंडे नहीं है। जय श्री राम।